आइडिया वीडियो आंगनवाड़ी के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की रिश्ता बताओ सरगर्मी, उम्र के मुताबिक दी गई वर्कशीट और मेहमान पहचानो, इस वीडियो के बारे में आपके तजुर्बात हमें जरूर बताएं। अब साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फोटो लेते हैं। फोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है करके देखते हैं। तमाम वालदा एक कतार में बैठे। अब हर एक वालदा के सामने कुछ कंगन, एक लकड़ी और एक गिलास उल्टा करके रखें। हर एक वालदा को लकड़ी से कंगन उठाकर गिलास में डालना है। इस तरह जो वालदा सबसे ज्यादा कंगन गिलास में डालेगी वो फातह होगी। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। वालदैन हमेशा अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं। मौजूदा हालात में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में मालूमात देना बहुत जरूरी है। आइए इस वीडियो से इसके बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों को गुड टच और बैड टच से कैसे खबरदार किया जाए? बच्चों को बताएं कि वो आपको पेश आने वाले हर वाकये के बारे में बता सकते हैं। बच्चों और वालदैन के दरमियान मोहब्बत और भरोसे का रिश्ता पैदा करना जरूरी है, जहां बच्चे आपको बगैर किसी खौफ के कुछ भी बता सकते हैं। बच्चों को उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में बताएं। बच्चों को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फर्क बताएं, जैसे जिस्म के कुछ हिस्से हमेशा कपड़ों से ढके रहते हैं और वालदैन के अलावा कोई इन हिस्सों को छू नहीं सकता। बच्चों को ना कहना सिखाएं। अगर कोई उनको नामुनासिब तरीके से छूने की कोशिश करता है तो उन्हें बदसुलूकी करने वाले से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहना है। बदसुलूकी करने वाले से बचने के लिए बच्चों को शोर मचाने के लिए कहें, ताकि आसपास के लोग उनकी चीख सुनकर उनकी मदद को पहुंच सकें। बच्चों के रवैये पर नजर रखें। जब भी बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो उनके रवैये में तब्दीली नजर आती है। ऐसी हालत में उनके जहन को पढ़ने की कोशिश करें और उनसे खुलकर बात करें। बच्चे 2.5 से 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। बच्चे को अपना नाम, वालदैन के नाम, घर का पता और 1 या 2 फोन नंबर याद करवाएं। बच्चों को ये बात जरूर समझाएं कि वो ऐसे लोगों के साथ कहीं न जाएं जिनको वो नहीं जानते, या उनकी तरफ से दी गई कोई चीज ना लें। बच्चे को यकीन दिलाएं कि जब भी उसे महसूस होता है कि किसी का छूना गंदा है तो उसे सबसे पहले आपको बताना है। मौशरे में बच्चों के खिलाफ होने वाले जिनसी जुराइम के पेशे नजर बच्चों के आज और कल को महफूज बनाना एक बहुत अहम मौजू बन गया है। इस वीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है, इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी ग्रुप में बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। बच्चे आंखें बंद कर लें। वालदा बच्चे को सूंघने के लिए पुदीना, लीमू, अदरक, डेटॉल, साबुन, कॉफी जैसी चीजें एक एक करके दें। बच्चे को उस चीज को सूंघना है और उसका नाम बताना है। दी गई वर्कशीट में बच्चों की उम्र के ग्रुप के मुताबिक सरगर्मियां बताई गई हैं। उन्हें समझें और बच्चों से करवाएं। क्या बच्चे को इस सरगर्मी और वर्कशीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें जरूर बताएं। आज की सरगर्मियां यहाँ पर खत्म होती है।
ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।